नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुष्मिता गौड़। आइए बात करते हैं इस वक्त की ताजा खबर से। सड़क हादसे में हुई दो युवकों की मौत, मौत के बाद परिजनों ने रोड जाम कर काटा हंगामा। बीते दिन सदर कोतवाली उन्नाव क्षेत्र के मगरवारा में सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई थी। आज सुबह सड़क पर शव रखकर मृतकों के परिजन व ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद उग्र ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव होने से कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया। बीते दिवस शहर कोतवाली उन्नाव के गांव देवी खेड़ा निवासी दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन व ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर जिला अस्पताल के सामने जाम लगाया था, जिस पर एसडीएम ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया था। आज सौ गांव पहुंचा तो ग्रामीणों व परिजनों ने फिर मुआवजे की मांग को लेकर शुक्लागंज उन्नाव राजमार्ग पर मगरवारा में शवों को रख कर जाम लगा दिया। एसडीएम सीओ ने समझाने का प्रयास किया तो ग्रामीण उग्र पथराव कर दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मगरवारा पुलिस चौकी के पास एक मार्ग दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज करके पीएम कराया गया। आज पोस्टमार्टम के बाद कुछ अराजक तत्वों द्वारा डेड बॉडी को सड़क पर रख करके यातायात बाधित कर दिया गया। जो उन्नाव और कानपुर के बीच में मुख्य मार्ग है, उसको बाधित किया गया, शुक्लागंज होते हुए जो कानपुर जाता है। और इसके बाद पुलिस पे, जब पुलिस ने यहाँ पर रास्ता खुलवाने का प्रयास किया तो उनके ऊपर हमला भी किया गया, पथराव किया गया। इसमें कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एफआईआर दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके ऊपर जो नुकसान हुआ उसका जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। तो पीड़ित परिवार क्या मांग कर रहा था? पीड़ित परिवार आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहा था। आर्थिक मुआवजे के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया था। एसडीएम मौके पर मौजूद थे, कल भी मौजूद थे। उनको आश्वासन दिया गया था कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है उसके अंतर्गत उनको पूरी से पूरी मदद की जाएगी। पुलिस के कितने जवान इसमें? अभी हम पुलिस के जवानों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अब तक 15 आसपास जवानों के घायल होने की सूचना है। उनका मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल कराए जाने के बाद जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगी उसके अनुसार यथानुसार कार्रवाई की जाएगी।